दूसरी तरफ कैसे हमारी सीमा सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, यानी कि उसे और मजबूत किया जा रहा है, अब उसकी बात करते हैं। भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोतों और साथी पनडुब्बियों के निर्माण में लगा है और इसी कड़ी में अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना 6 नए सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिसमें से 3 सबमरीन पहले शामिल किए जा चुके हैं और 4थी सबमरीन वेला भी शामिल हो गई। नौसेना में नई सबमरीन के शामिल होने से भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। आखिर क्या है इस सबमरीन की खूबियां और क्यों इसकी समंदर में धमक दुश्मन देश को डरा रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान की ताकत के साथ जुड़ी एक और महाशक्ति, हिंदुस्तान के लिए गर्व करने का एक और ऐतिहासिक दिन, भारत ये नौसेना की आन बान और शान को बुलंदी पर पहुंचाने वाला एक और समुद्री फाइटर, नाम INS वेला। कहने को तो ये नाम ही काफी है। इस किलर पनडुब्बी के नाम का मतलब दुश्मनों के लिए जानलेवा डंक से कम नहीं है। क्लावरी क्लास की ये पनडुब्बी आज नौसेना में शामिल हो गई। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कमिशनिंग सेरेमनी के जरिए इसे नौसेना को सुपुर्द किया। ये वही सबमरीन है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, ऐसा किलर जो दुश्मन को उसकी मौत की भनक तक नहीं लगने देता। वेलास कैपेबिलिटीज एंड फायर पावर प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द नेवीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रमोट and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region. INS Vela एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। INS कलवरी, खंडेरी और INS करंज के बाद INS Vela को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जो आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही घातक हथियारों से लैस है। ये पानी के अंदर से हमला करने की क्षमता के साथ टॉरपीडो और एंटीशिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। इसमें 6 टॉरपीडो ट्यूब्स बनाई गई है, जिसमें से एक बार में 18 टॉरपीडो फायर हो सकते हैं। सबमरीन वेला माइंस भी बिछा सकती है, रडार से बचकर निकलने में भी सक्षम है, हाईटेक सेंसर और संचार सुविधा से लैस है। यही नहीं, पानी के अंदर 50 दिनों तक रह सकती है और एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। जो बैटरीज हैं, इंडिजिनस बैटरीज सबमरीन को पावर करती हैं एंड अपने आप में इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना हमारे लिए और सेटल्ड हो जाना एक बड़ी बात है, और साथ में अपना कम्युनिकेशन सूट लगाना और इसमें भी दैट इज आल्सो अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। TV9 भारतवर्ष की टीम भी INS वेला से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए सीधे मुंबई में सबमरीन पर पहुंची। इस वक्त मैं वेला सबमरीन पर हूं और क्या कुछ इसकी खासियत है हम आपको बताएंगे। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 4थी सबमरीन होगी जो भारतीय नौसेना में शामिल होगी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सबमरीन 300 से 400 मीटर डीप वाटर में जा सकती है, जिससे कि जो दुश्मन है वो इसका पता नहीं लगा सकते। ये पनडुब्बी हिंदुस्तान का दम है, लेकिन इसका नाम वेला क्यों पड़ा, ये सवाल दुश्मनों को भी हैरान कर रहा है। अब आपको INS वेला के नामकरण के बारे में भी बताते हैं। वेला एक प्रकार की भारतीय मछली है जो स्टिंग रे फैमिली से आती है। ये मछली समुद्र के खतरनाक शिकारियों में से एक है। इसका डंक किसी भी दुश्मन को एक झटके में खत्म करने के लिए काफी है। स्टिंग रे मछली पूरी दुनिया में अपनी चतुरता, घातक हमला, बचाव के तरीके और आक्रामकता के लिए जानी जाती है। INS वेला भी इन सभी खासियतों से लैस है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। समंदर में इसकी मौजूदगी से हिंद महासागर में ड्रैगन की कब्जे वाली रणनीति पूरी तरह नाकाम होगी।